गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान 10th इंग्लिश 2.5 बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर, सवालात के जवाब और सरगर्मियों की वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। देखिए इसमें कुछ अहम एक्टिविटीज़ ली गई है स्वामी एंड फ्रेंड्स की। लेट्स बिगिन, वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले रिव्यू यानी तज्जिया, इख्तिसार, नाइटमेयर यानी ख़तरनाक ख्वाब, टू हरास यानी तंग करना, टू प्ले हैवक हंगामा करना, एक्सक्विजिटली खुशनुमाई से, पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र, एट्रीब्यूट्स यानी वसफ से जुड़ा होना, एनकम्पास्ड यानी शामिल करना, स्पॉयलर्स बिगाड़ने वाले, टेक्निकल जारगन यानी तकनीकी इस्तिलाहात, सिंप्लिसिटी यानी सादगी, सेंसिटिव यानी हसास, नॉटी यानी शरीर, इन कंक्लूजन यानी आखिर में, एसेंस निचोड़ को कहते हैं, एपिक रज़मिया नज़्म, मिसचीवियस शरारती, ऑथर मुसन्निफ, लिटरेचर अदब, स्किल महारत। क्वेश्चन नंबर वन, A1, ये सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी जुमले सही है या गलत है वो लिखना है। द बुक इज़ फिल्ड विथ हेवी ग्रामर एंड डिफिकल्ट टेक्निकल वर्ड्स, फॉल्स। दूसरा है द बुक सर्कल्स राउंड द मिसचीफ ऑफ द किड्स इन अ व्यू ऑफ द किड, ट्रू। आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ अ गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक, ट्रू। मिसचीवियस किड्स आर नॉट एज सेंसिटिव एज अदर पीपल, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर वन का A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है। डिस्क्राइब स्वामीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन 3 to 4 सेंटेंसेस, 3 से 4 जुमलों में स्वामी की जो खसूसियात है बयान करना है। स्वामी इज़ अ मिसचीवियस एंड टॉकेटिव लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years old, स्वामी जो था ये थोड़ा सा शरारती और बातूनी लड़का था 10 साल का। ही कैनॉट स्टे एट वन प्लेस, वो एक जगह न ठहरता नहीं था। ही हेट्स गोइंग टू स्कूल, हेट्स मैथमेटिक्स इवन वर्स, वो स्कूल को जाना उसे पसंद नहीं था और रियाजी पढ़ना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल इज़ अ फ्राइटनिंग एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर हिम, स्कूल जाते हुए उसे खौफ महसूस होता था और बहुत ही बुरा तजुर्बा लगता था। ही ऑलवेज गेट्स इन टू ट्रबल एंड अ गुड बीटिंग फ्राम हिज फादर, वो हमेशा परेशानियों में घिर जाता और उसके वालिद उसकी अक्सर पिटाई कर दिया करते। ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज़ प्ले अंडर द सन, और जो कुछ वो करना चाहता था वो सबसे अहम चीज़ है कि वो सूरज के यानी खुले आसमान के नीचे खेलना चाहता था। किक समथिंग, क्लाइंब अ ट्री, ब्रेक और डैमेज समथिंग एंड हैरास ट्रबल समबडी, खेलना चाहता था, दरख्तों पर चढ़ना चाहता था, किसी चीज़ का नुकसान पहुंचाना चाहता था। दिस इज़ अ टिपिकल लाइफ ऑफ द किड, और ये एक बच्चे की खसूसी ज़िंदगी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई सम पेरेंट्स मे बी वरीड अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मिसचीवियस 10 years old बॉय इन अ बुक, वाट डज द रिव्यूअर से अबाउट इट, यानी कुछ जो वालदेन हैं वो अपने बच्चों की शरारती नेचर की एक बच्चे की किताब पढ़ने देने में क्या महसूस करते हैं और तज़ियाकार इस बारे में क्या कहता है। सम पेरेंट्स मे बी वरीड अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मिसचीवियस 10 year old बॉय बिकॉज दे थिंक दैट माइट इन्फ्लुएंस देयर ऑलरेडी मिसचीवियस चिल्ड्रन, यानी कुछ वालदेन ये इस बारे में परेशानी हो सकती है कि एक शरारती लड़के के बारे में जो किताब है वो उन्हें पढ़ाई जाए और उससे हो सकता है कि उनके जो ऑलरेडी शरारती बच्चे हैं वो और ज़्यादा शरारती हो जाए। बट द रिव्यूअर रीअश्योर्स देम दैट द बुक डिस्क्राइब्स द मिसचीफ ऑफ द किड इन अ व्यू ऑफ द किड विच इज़ हार्मलेस एंड प्योर, यानी इसमें किताब में जो शरारती बच्चे की शरारतें हैं वो इस तरीके से बयान की गई है कि वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ना हो सके और उसकी शरारतें बच्चों की ही शरारतें हैं और वो बच्चे के नज़रिए से हैं। ऑल्सो अमिट्स ऑल द मिसचीफ एंड नॉटीनेस, वी एक्चुअली फाइंड दैट स्वामी इज़ अ लविंग एंड टेंडर किड हु इज़ रियली वेरी सेंसिटिव। अब इन तमाम उसकी गलतियों और शरारतों के बीच हमें ये बात समझ में आती है कि स्वामी जो है एक प्यार करने वाला, रहम दिल और नाजुक मिजाज बच्चा है और बहुत ही ज़्यादा हसास भी है। एंड इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट मिसचीवियस किड्स आर मोस्ट सेंसिटिव एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल, और जो शरारती लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और बहुत लोगों से मोहब्बत करने वाले होते हैं। सो दिस इज़ द मैसेज दैट डिस्क्रिप्शन कन्वेज टू ऑल ऑफ अस, और यही जो पैगाम है इस किताब के ज़रिए दिया गया है। नॉन फॉर्म्स है
ये A3 नंबर की एक्टिविटी है, हैपन हैपनिंग, ट्रू का ट्रूथ, इंगेज का इंगेजमेंट, मैनेज मैनेजमेंट, डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन, ये नाउन फॉर्म बनाए गए हैं। वर्ब फॉर्म्स, हेटर्ड का हेट, थॉट का थिंक, मीनिंग का मीन, इमेजिनेशन का इमेजिन, और ये लविंग का लव, ये लिविंग हो गया है, लिविंग का लिव होता है, लविंग का लव होता है। क्वेश्चन नंबर 1 A4 नंबर की एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड ऑन ग्रामर, एड अ क्वेश्चन टैग, यहाँ पर ये जवाब दिए गए हैं। दिस डज नॉट मीन डैट द बुक इज़ फिल्ड विथ हेवी ग्रामर, दिस डज नॉट मीन डैट द बुक इज़ फिल्ड विथ हेवी ग्रामर कॉमा डज दिस, यानी नॉट नहीं लगेगा। आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्विंग डैट टू ऑल ऑफ अस, आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्विंग डैट टू ऑल ऑफ अस डजंट ही। क्वेश्चन नंबर 1 A5 एक्टिविटी है पर्सनल रिस्पॉन्स की, डू यू थिंक डैट इवन टूडे मोस्ट ऑफ आवर किड्स लाइक टू लिव द लाइफ ऑफ स्वामी वॉज लिविंग, क्या आपको लगता है कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो स्वामी की जैसी ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं? येस आई डेफिनेटली थिंक सो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इट इज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द किड्स प्ले टू मेक फन, टू प्ले मिसचीफ एंड एन्जॉय द लाइफ लाइक स्वामी। बहुत सारे बच्चों को खेल कूद में वह मज़ा आता है, शरारतें करने में मज़ा आता है, और स्वामी की जैसी ज़िंदगी गुजारने में मज़ा आएगा। दे ट्राई टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल अंडर सम प्रेटेक्स्ट एंड डिसलाइक टू लर्न सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, और वो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं स्कूल जाने के लिए, और कुछ मजामीन उन्हें पढ़ना पसंद नहीं। दे आर ऑफन गेट बीटन फॉर देयर नॉटीनेस मिस्टेक्स एंड देयर मिसचीवियस डीड्स, अक्सर उन्हें मार पड़ती है जब वो शरारतें करते हैं। दे डू एनीथिंग डैट कम्स टू देयर माइंड अनइंटेंशनली, वो बच्चे कुछ भी करते हैं जो भी उनके जहन में आ जाता है बिना सोचे समझे। वाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ स्वामीज डेज एंड डेज एंड एंड टूडेज चिल्ड्रन, ये स्वामी के और आज के बच्चों के दरमियान क्या फ़र्क पाया जाता है, आप क्या समझते हैं? आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ द स्वामीज डेज एंड टूडेज चिल्ड्रन, यानी मुझे बिल्कुल भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आता स्वामी के और आज के बच्चों के दरमियान। चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ द टाइम्स आर द सेम, बच्चे हर वक्त और हर जगह दुनिया में हर जगह एक जैसे ही होते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू मी इज़ डैट मेनी ऑफ टूडेज चिल्ड्रन कीप देमसेल्व्स बिजी इन मोबाइल्स, अदर गैजेट्स एंड मोबाइल गेम्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन ओपन स्पेस, सिर्फ फ़र्क इतना है कि आजकल के बच्चे मोबाइल गेम्स, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह या खेलना पसंद करते हैं, जबकि पहले के बच्चे ओपन स्पेस में खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द पैसेज अबाउट आर के नारायण लिटरेरी वर्क, यानी आर के नारायण के लिटरेरी वर्क के बारे में कौन सी मालूमात आपको मैसर आती है? आर के नारायण हैज़ प्रोड्यूस्ड मेनी ऑफ द इंडियन एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत, यानी आर के नारायण ने इंग्लिश में रामायण और महाभारत की कथा भी लिखी है। आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड अपार्ट फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स, अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर, साइंस एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज द शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत, यानी बहुत सारी किताबें लिखी है जिसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं ना, और इसके अलावा मालगुडी डेज है, गाइड है, द पेंटर, साइंस है, उसके अलावा उन्होंने प्रोज वर्जन लिखा है रामायण और महाभारत का। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।